नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथी के अंदर स्वप्न दोष अथवा जिनका वीर्यपात होता है उसकी खास खास दो तीन दवाइयाँ, दो चार, उससे मैं आपको परिचित कराऊँगा होम्योपैथी के अंदर। विशेष करी ये स्वप्न दोष को ठीक करने वाली दवाई है। ये वीर्यपात हो जाना या रात में नींद के अंदर कामों उत्तेजित स्वप्न आने पर भी वीर्य का अपने आप निकल जाना और बिना स्वप्न के भी ही निकल जाना, इसी को ही स्वप्न दोष कहा जाता है। इसके जो कई कारण हैं उनमें अधिक संभोग करना, अधिक हस्त मैथुन करना, उत्तेजक फिल्म देखना, बवासीर में कीड़े होने पर, अधिक घुड़ सवारी करने पर ये स्वप्न दोष की बीमारी होती है। इसके जो लक्षण होते हैं, स्वप्न दोष या धातु दोष के कारण याददाश्त कमजोर होती है, शरीर में थकावट सुस्ती आती है, मन उदास रहता है, चेहरे पे चमक व हंसी होती ही नहीं है, लज्जाहीन होता है इसका रोगी, धड़कन का बढ़ जाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, कमजोरी और शरीर में खून की कमी होना, ये स्वप्न दोष वाले रोगी के लक्षण होते हैं। इसीलिए स्वप्न दोष का रोगी ये कहता है कि मुझको कमजोरी बहुत है। अब होम्योपैथिक के अंदर, आयुर्वेद के अंदर दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, होम्योपैथी के अंदर ये धातु दोष है इसको दूर करने के लिए जो दवाइयाँ हैं मुख्यतः, देखिए एग्नेस कैट्स ये जो दवा है, ये शरीर के अंदर मन में सुस्ती, भारी आवाज़, शरीर का कमज़ोर होना, लिंग की कमजोरी और काम शक्ति का कम होना और स्वप्न दोष होना, इस तरह का जो रोगी होता है उसकी ये एग्नेस कैच खास दवा है। इसको आप 6 पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 बार, 1-2 महीना 3 महीना। 6 पोटेंसी नहीं मिले 30 पोटेंसी ले सकते हैं। दूसरी जो दवा है स्वप्न दोष की, उसका नाम है ओरिगैनम। ओरिगैनम ये काम वासना की ऐसी तेज इच्छा कि रोगी हस्त मैथुन करने को मजबूर हो जाता है। रोगी अपने काम वासना पर नियंत्रण न रख पाता हो, हमेशा अश्लील बातें सोचता रहता हो, उसे जनने इंद्रिय में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ चल रहा है, ऐसे कामुक लक्षणों से पीड़ित रोगी को ओरिगैनम औषधि की 3 पोटेंसी दिन में 3 बार अथवा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1-2 महीना खिलाने से वो ठीक होता है और इच्छा उसकी जो बार बार संभोग की इच्छा होती है वो कम हो जाती है और वो निरोगा हो जाता है। और इस औषधि के सेवन से स्त्री की कामुक इच्छा भी शांत हो जाती है, यानी कि कई स्त्रियों की कामों की इच्छा बहुत होती है तो ये उनको भी देने से उनकी कामों की इच्छा कम हो जाती है। अगली जो दवा है उसका नाम है ग्रेटिओला। ग्रेटिओला ये औषधि स्त्रियों में हस्त मैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। ये औषधि स्त्रियों में हस्त मैथुन की तीव्र इच्छा को शांत करती है। जिस तरह पुरुष हस्त मैथुन करते हैं इसी तरह स्त्रियां भी हस्त मैथुन करती है और बहुत तीव्र इच्छा होती है, एकांत ढूंढती है और कई फालतू की चीज़ों से वो हस्त मैथुन करती है। तो जिनको इस तरह की बहुत अभिलाषा होती है, स्त्रियों को, बहन बेटियों को, उनके लिए ग्रेटिओला 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना खिलाने से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, उनकी काम जो इच्छा बहुत है वो एक सही लेवल पे आ जाती है। अगली जो दवा है उसका नाम है बेलिस पेरेनिस।
बेलिसपेरिनस एक बहुत प्यारी दवा है। स्वप्न दोष या वीर्यपात के रोग से पीड़ित रोग को बेलिसपेरिनस देना चाहिए। ये बहुत एक कामयाब दवा, इसका नाम बेलिसपेरिनस है। यह औषधि विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जिसमें यह रोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न हुआ हो, जिसके कमजोरी अथवा कोई भी रोग अधिक हस्तमैथुन की वजह से हुआ हो उसके लिए बेलिसपेरिनस लाभदायक है। इस रोग से बेलिसपेरिनस का आप मदर टिंचर के अंदर प्रयोग करें। इसका मदर टिंचर 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर, 15 बूंद रात को आधे आधे कप पानी में 1-2 महीना लेने से बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगली जो दवा है उसका नाम है केलेडियम। केलेडियम ये औषधि जनन अंगों पर विशेष क्रिया करती है, अतः इसका प्रयोग जनन अंगों से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि रोगी को नींद में लिंग उत्तेजित हो, और जागने पर ढीला पड़ जाता हो, यदि इस तरह का लक्षण है और उसको नपुंसकता दिखाई देती है तो केलेडियम बहुत ही गुणकारी दवा है। कभी कभी नींद में बिना किसी अश्लील सपने के ही स्वप्न दोष या वीर्य निकल जाता है। ऐसे रोगी के इन कष्टों को दूर करने के लिए केलेडियम ये 30 पोटेंसी या 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पे डाल लें, 2 महीना ले, आपकी सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगली जो दवा है इसका मैंने वीडियो भी दिया था शायद, उसका नाम है ब्यूफो, पूरा नाम है ब्यूफोराना। ये एक मेंढक से बनती है। जो बचपन में लिंग से छेड़छाड़ करने की इच्छा होती है और इसके लिए एकांत ढूंढते हैं, जो लड़के होते हैं 15, 16, 14 साल के, उनको बचपन करते हैं, जब उनका वीर्य बॉडी में बनने लगता है तो उस वक्त उनको अपनी इंद्री को छेड़ने की इच्छा होती है और हमेशा एकांत ढूंढते हैं। ऐसे लक्षणों को मैं या इस तरह की हैबिट को छुड़ाने के लिए ब्यूफो 200 पोटेंसी रोज की एक खुराक 15 दिन देने से ही ये आदत उनकी खत्म हो जाएगी और स्वप्न दोष नहीं होगा और हस्तमैथुन के कारण दूसरे लक्षणों को भी ये औषधि दूर करती है। जिनको हस्तमैथुन से कमजोरी आ गई है और आ गई है तो उसको भी ब्यूफो ठीक करती है। ब्यूफो को मदर टिंचर में न लें, ब्यूफो को 200 पोटेंसी में लें और रोज की एक खुराक ले सकते हैं 15 दिन, उसके बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन, इस तरह 1-1.5 महीना आप ले सकते हैं। अगली जो दवा है उसका नाम है थुजा। थुजा एक होम्योपैथी की बहुत उपकारी दवा, ये कई रोगों को ठीक करती है, अनगिनत रोगों को ठीक करती है, ब्रेन ट्यूमर तक को ये ठीक करती है, शरीर में वाट्स मस्से जो ऐसे लटकने वाले मस्से होते हैं उनकी ये रामबाण दवाई है। तो थूजा का मदर टिंचर 5 ही बूंद, जिनको अधिक वीर्य निकलता है, ध्यान में दीजिए मेरी बात को, ये थूजा जो है ये बहुत डीप गहरी काम करने वाली दवा है, इसका अधिक प्रयोग न करें। जिनका वीर्य बहुत निकल जाता है स्वप्न में, पेशाब के रास्ते या किसी वजह से, और उससे कमजोरी आती है, तो इसका मदर टिंचर, इसकी खुराक सिर्फ 5 बूंद दिन में 3 बार, ये सिर्फ 15 दिन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करें, आराम मिल जाएगा। अगली जो दवा है उसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड बहुत ही अच्छी दवा है। जनन इंद्रिय की जबरदस्त उत्तेजना, विषय भोग की अधिक इच्छा होना, ये इसके खास लक्षण है पिक्रिक एसिड के, यानी कि पेनिस में उत्तेजना बहुत होती है और
सेक्स करने को बहुत मन करता है। ऐसे रोगियों के लिए पिक्रिक एसिड 6 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 महीना लेने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगली जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ उसका नाम है बेराइटाकार। बेराइटाकार टॉन्सिलाइटिस की एक प्रमुख दवा है। जिनको बार बार टॉन्सिल होते हैं वो बेराइटाकार 1,00,000 पोटेंसी में मात्र 1 खुराक ले लें तो उनको जिंदगी में कभी टॉन्सिल नहीं होंगे। हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कमजोरी की। जो ज़्यादा उम्र के होते हैं और रात को नींद में उत्तेजक स्वप्न आने के कारण जिनका वीर्य निकल जाता है, अत्यंत कमजोरी अनुभव होती है, तो बेराइटाकार 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इसको 1 महीना 2 महीना आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी उम्र वालों पे काम करती है, लेकिन विशेष करके जो कद के अंदर छोटे होते हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा काम करती है, जो बहुत लंबे होते हैं उनके ऊपर कम काम करती है, और जिनकी उम्र 30 से ऊपर है उनके ऊपर ज़्यादा काम करती है। इसका मतलब ये नहीं, इसको किसी भी उम्र वाले लेंगे उनको ये लाभ करेगी। और अगली जो दवा है उसको आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं, एसिड फॉस। एसिड फॉस बाल झड़ते हैं, इनकी प्रमुख दवा है, ताकत की दवा है, कोई बीमारी के बाद कमजोरी की दवा है, और उसके अलावा अधिक संभोग करना, अधिक हस्तमैथुन करना, इनसे अगर कमजोरी आकर के याददाश्त कमजोर हो गई है तो एसिड फॉस 3x या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 2 महीना देने से वीर्य दोष भी दूर होगा और शरीर में शक्ति आएगी। और ये डायबिटीज भी खास दवा है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं और उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये एक महान उपकारी और रामबाण दवा है। अगली जो दवा मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना। चाइना एक ताकतवर दवा है। शरीर से कहीं से भी रक्त निकल जाए, किसी मुंह से, नाक से, कान से अथवा मल द्वार से, तो उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए चाइना के बराबर कोई दवा नहीं। फिर भी यदि जनने इंद्रिय में बराबर उत्तेजना हो, कानों में भों भों की आवाज़ आती हो, चेहरा लाल हो जाए, सिर चकराता हो, तो ऐसे लक्षणों के अंदर चाइना 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1-2 महीना देने से आदमी की खोई हुई शक्ति वापस मिलती है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। यदि वीर्यपात होने के बाद कमजोरी अनुभव होती है, जैसे सेक्स किया, सेक्स के बाद में आपको लगे कि कुछ कमजोरी है, तो आप उसी वक्त चाइना 30 की 1 खुराक जीभ पे डाल दें। कब? रात को सेक्स करने के बाद, अगर जैसे ही सेक्स से निवृत्त हुए लगता है कमजोरी आई है शरीर में, तो चाइना 30 लेंगे तो वो कमजोरी कभी नहीं आएगी। हाँ, अगली जो दवा है उसका नाम है स्टेपिसेग्रिया। स्टेपिसेग्रिया ये बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करने के कारण रोगी को कमजोरी आती है, उसको ये ठीक कर देती है। इसके अलावा ये आँखों की जो गुरेनिटी होती है उसको भी ये ठीक करती है। जो व्यक्ति हमेशा अश्लील बातें करते हैं, सोचते हैं और रात को स्वप्न दोष हो जाता है, चेहरा मुरझाया हुआ होता है, आँखों के चारों ओर काले निशान हो जाते हैं, पीठ में कमजोरी आती है और मैथुन के बाद भी रोगी हाँपने लगता है, सेक्स करने के बाद हाँपने लगता है, और कभी कभी सेक्स संबंधी मानसिक पागलपन भी उत्पन्न होता है। ऐसे लक्षणों के अंदर स्टेपिसेग्रिया 200 पोटेंसी एक दिन छोड़ के एक खुराक, जैसे आज दी कल मत लो परसों लो, इस तरह से 2 महीना तक ले सकते हैं तो उनकी सारी ये समस्या ठीक हो जाती है। मैथुन के बाद के रोगी हाँपना, ये मैं बोल चुका। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ जो अगली जो दवा है उसका नाम है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी कमजोरी की बहुत उपकारी दवा है। यदि
कहीं ऑपरेशन भगवान न करे आपको कोई सर्जरी करवाने कहीं जाना हो, जैसे मान लीजिए बवासीर या अपेंडिक्साइटिस या कोई भी छोटी मोटी या बड़ी कोई भी सर्जरी आपको कराने जाना हो, तो फास्फोरस 200 पोटेंसी की एक खुराक लेकर के आप जाएंगे, तो जहां आपकी सर्जरी होगी वहां से जो रक्त निकलता है वो बहुत कम निकलेगा, इसलिए आपको कमजोरी नहीं आएगी। इसके अलावा जिनको वीर्य निकल जाता है और उसकी वजह से कमजोरी हो जाती है, और जिनको अधिकतर शाम के समय वीर्य निकलता है उनके लिए, और उनको जो कमजोरी होती है उनके लिए ऐसे लक्षण के अंदर फास्फोरस का बहुत अच्छा रोल है। इसके रोगी को शरीर में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जलन होती है, तो फास्फोरस 6 पोटेंसी दिन में 3 बार, ये सिर्फ 15 दिन दे नहीं, और 30 पोटेंसी दिन में 3 बार, ये भी 15 दिन देनी। इस दवा को इससे लंबा नहीं देना, अगर लंबा देना हो आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें या मुझको पूछें। ये बहुत अच्छी दवा है फास्फोरस, इसको थोड़ा समझना है कि हस्तमैथुन की वजह से लिंग ढीला हो गया, ऐसे लक्षणों को भी ये ठीक करती है, लेकिन ये दवा डीप यानी कि बहुत गहरी काम करने वाली है, तो अगर ये तकलीफ है तो इसका इस्तेमाल करें, वैसे नहीं करें, क्योंकि ये गहरी काम करने वाली दवा है फास्फोरस। और जो रोगी एकदम दुबला पतला लंबा और उसके शरीर में कहीं ना कहीं जलन, इस तरह का अगर लक्षण मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो बिल्कुल ठीक होगा। अगली जो मैं दवा बता रहा हूँ उसका नाम है डाइस्कोरिया। डाइस्कोरिया सेक्स के अलावा अंगूठा ये पक जाता है कईयों का, उसको अंगुल बेड़ा बोलते हैं या विष कपड़ा बोलते हैं, बहुत असहनीय पीड़ा होती है। इसकी एक खास दवा है डाइस्कोरिया 200 पोटेंसी दिन में 3 बार, 10 दिन लेने से जो अंगुली या अंगूठा पकता है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग जिनका वीर्य निकल जाता है और जिनका लिंग ढीला हो जाता है और स्वप्न दोष होता है, और रात में किसी किसी को 3 से 4 बार स्वप्न दोष होता है, और बहुत कमजोरी हो, सुस्ती और घुटनों के अंदर यूँ महसूस होता है कि जैसे जान ही नहीं है, तो ऐसे लक्षण वाले रोगियों को डाइस्कोरिया 12 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगली जो इसकी दवा है उसका नाम है कैंथेरिस। कैंथेरिस सुजाक रोगी के कारण वीर्यपात होना, पेशाब के साथ बूंद बूंद कर धातु आना और जलन होना और संभोग की तीव्र इच्छा होना, ऐसे लक्षण में कैंथेरिस बहुत लाभदायक है। इस औषधि का प्रयोग अधिक हस्तमैथुन के कारण उत्पन्न वीर्यपात रोगों में किया जाता है, और वीर्यपात होने पर इस औषधि की 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ले सकते हैं। अंत आखिरी और जो दवा है, मेरे पास से कल एक रोगी का कमेंट भी आया, तो उस दवा का मैंने वीडियो दिया, केलक्रियाकार। ये एक बहुत ज़बरदस्त दवा है केलक्रियाकार, 30 पोटेंसी के अंदर आप दिन में 3 बार लगातार 2-3-4 महीना लें, आपका वजन भी जो एक्सेज है वो घट जाएगा और सेक्स संबंधी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि पूरी होम्योपैथिक में ताकत की इससे बेहतरीन कोई दवा नहीं। मेरा पहले का वीडियो आप केलक्रियाकार का देख लेना। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ केलक्रियाकार 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना 2 महीना। अधिक मैथुन करने की बहुत इच्छा, इसका जो लक्षण है, परंतु संभोग के समय लिंग में कड़ापन नहीं होता, ध्यान से सुनिए। अधिक मैथुन करने की इच्छा होती है, खूब इच्छा होती है,
लेकिन संभोग के समय लिंग में कड़ापन नहीं आता, यानी कि टाइटनेस नहीं होती। संभोग करते समय वीर्य निकल जाता है और पूरे शरीर में दर्द व कमजोरी होती है। इस तरह के लक्षणों में केल क्रियाकार देने से आराम मिल जाता है। इसको 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में 1, 2, 3 महीना दे सकते हैं। ये केल क्रियाकार शीत प्रकृति के रोगी के हाथ पैरों में ठंडा पसीना आता है, हस्तमैथुन की आदत हो तो उसे केल क्रियाकार औषधि की 4-4 घंटे के अंदर 30 पोटेंसी लंबे समय तक देने से आराम आएगा। और अंतिम दवा लाइकोपोडियम, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी बीबी की उम्र कम है, आदमी की उम्र ज़्यादा है, तो ऐसे जो रोगी हैं उनके लिए लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। लाइकोपोडियम में लिंग बिल्कुल छोटा हो जाता है, संभोग के समय लिंग ढीला हो जाता है। जिनका लिंग बिल्कुल सिकुड़ जाता है तो वो इसकी 1000 पोटेंसी में एक खुराक लें और इंतजार करें, 15 दिन बाद फिर खुराक लें, फिर इंतजार करें। अगर इस तरह 3-4 खुराक ले लेंगे तो आपका लिंग कठोर हो जाएगा। जिनको कब्जी रहती है उनको आराम करेगा, पेट संबंधी रोगों को ठीक करेगा, लीवर को ठीक करेगा। लाइकोपोडियम पेट के तमाम रोगों को ठीक करेगा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दोस्तों, आज मैंने आपको होम्योपैथिक के अंदर काफ़ी दवाइयाँ बताई है, आप इनका प्रयोग कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।